recently I did something really crazy और वो था skydiving jump. मेरा बरसों का सपना था जब से मैंने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी थी. क्या जिंदगी में एक बार मुझे स्काई डाइव करना है, वो 9000 फीट की ऊंचाई से मुझे जंप लगाना है. बिकॉज मैं अपने प्रोग्राम में लोगों को सिखाता हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन के फियर को दूर करना चाहिए और ये फियर को मुझे फेस करना था. एंड यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ इट कि हम सिर्फ दो फियर लेकर पैदा होता है जब हम यू नो जन्म लेते हैं. पहला फियर है लाउड नॉइस का फियर और सेकंड फियर होता है जो है हाइट का फियर. यस, इसलिए हम लोगों को बंजी जंपिंग या स्काई डाइविंग ये थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है बिकॉज दैट फियर इज रियल. लेकिन सच भी इतना ही है कि उस फियर को हम ओवरकम कर सकते हैं. बिकॉज अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉन्फिडेंस क्या है, व्हाट इज कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस और कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस है कि आपके अंदर कितना आपके ऊपर भरोसा है कि आप वो अननोन परिस्थिति में जाकर कॉन्फिडेंटली जाते हैं. बिकॉज व्हाट आई बिलीव, हमारी जिंदगी में जब आप कोई ऐसा एक्सट्रीम एक्सपीरियंस करते हैं, लेट्स से स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, स्कूबा, एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, जब आप वो एक्सपीरियंस करके बाहर निकलते हैं ना, यू आर नॉट द सेम पर्सन. आपकी आपकी पूरी पहचान, आपकी पूरी बिलीव जो है ना, और जो कॉन्फिडेंस है वो बदल जाता है. और इसीलिए जब आपके सामने डर होता है, कोई भी प्रकार का डर क्यों ना हो, आपके पास दो ही ऑप्शन है, उस डर को देखकर भाग जाओ या फिर उस डर को फेस करो और उसको ओवरकम करो. और जब आप नेक्स्ट मोमेंट पर जाते हैं तब जीत है. इसलिए कहा जाता ना, डर के आगे जीत है. सो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मेरे तीन ऐसे लर्निंग्स जो मैंने स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस से सीखे हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. सबसे पहला लर्निंग जो मैंने सीखा वो था कि जब आप किसी डर के बारे में सोचते हैं तो डर आपके माइंड में है, वो एक्चुअल में डर नहीं लगता है. आई रिमेंबर कि जब मैं यू नो मेरे जो मेंटर है, मेरे दोस्त, मेंटर जो भी कहूँ, स्नेह सर मेरे साथ थे, मेरे सिस्टर शिवांगी थे और हम पांच दोस्त साथ में थे. और जब हमें स्काई डाइविंग के लिए हम लोग जा रहे थे गाड़ी में बैठ कर, यू वोंट बिलीव कि मैं कितना डरा हुआ कहूँ या नर्वस कहूँ, बिकॉज आज तक वो किया नहीं है. और लेकिन जब वहां पर गए, वहां पर जो एनवायरनमेंट देखा और वहां पर जाने के बाद जब एक्चुअल जंप किया, यू वोंट बिलीव कि जो मैंने सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा हो गया. और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि डर जो है ना वो स्कैरी है आपके माइंड में, लेकिन जब वो चीज आप करते हैं तो वो एक्चुअल में स्कैरी उतनी नहीं होती है जितना आप सोच रहे हैं. और वो जो फ्री फॉल कहते हैं ना, जब आप वो मोमेंट लास्ट होता है कि जब आप जंप करते हैं, वो फ्री फॉल जो है ना वो सिर्फ 25 सेकंड्स का रहता है. और वो 25 सेकंड्स के लिए हम सोचते कितना है पता है, मे बी 20 आवर्स. कुछ लोग तो पहले दिन से उनको नींद भी नहीं आती है. सो द लर्निंग इज कि डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट डू इट. सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. सेकेंड लर्निंग जो मैंने सीखा वो है कि अगर आपके आसपास सही लोग, सही कोच और सही एनवायरमेंट है तो आप कोई भी डर में से बाहर आ सकते हैं. जब मैं स्काई डाइविंग करने के लिए जा रहा था, मेरे जो मेंटर है जिसका नाम मैंने अभी लिया ऑलरेडी, स्नेह सर, स्नेह देसाई सर, उन्होंने 250 से ज्यादा जंप कर लिए हैं. सो जब वो मुझे कह रहे थे कि नक्षत्र डोंट वरी, कुछ नहीं होने वाला है, स्काई डाइविंग, अगर आपको ये नहीं पता है, स्काई डाइविंग इज द सेफेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड. अगर आप सर्च करेंगे ना गूगल के ऊपर, इज स्काई डाइविंग सेफ, तो आपको दिखाई देगा कि स्काई डाइविंग जो है ना वो गाड़ी चलाने से या रोड पर बाइक चलाने से भी सेफ है. It's that safe. So, जो स्नेह सर थे उन्होंने मुझे को सिंपल बात बोली, देख नक्षत्र, यू आर एब्सोल्युटली सेफ, मैंने इतने ज्यादा जंप किए हैं, कुछ नहीं होने वाला है. सो दैट गेव मी अ कम्फर्ट. सेकेंड, जब मैं केप टाउन में था और जब वहां पर जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे जो मुझे सिखा रहे थे कि क्या करना चाहिए, लेट मी टेल यू अ ट्रू स्टोरी कि उन्होंने क्या कहा. वो मुझे सब पहना रहे थे, बेल्ट पहना, ये कराया, वो कराया, चश्मे पहनाए. ही वाज टेलिंग मी समथिंग कि नक्षत्र, यू नो वी विल डू दिस, वी विल डू दैट, आपको ये करना है, आपको वो करना है, लास्ट में हम ये करेंगे, पैर ऊपर रखेंगे एंड एवरीथिंग. 5 मिनट उन्होंने मेरे को समझाया और लास्ट में बोलते हैं, अगर ये सब कुछ नहीं भी किया ना, देन यू आर गोइंग टू बी फाइन, डोंट वरी. और वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मेरे साथ कॉमेडी कर रहे हैं और इट डिडंट फील लाइक कि वैसा कुछ होने वाला है. और मुझे याद है कि जब हम जा रहे थे वो प्लेन की तरफ, वहां पर भी वो मुझे कॉन्स्टेंटली कह रहे थे कि नक्षत्र, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ. सो अगर आपके पास सही लोग हैं और सही एनवायरमेंट है आपके पास, तो वो डर आप इजिली ओवरकम कर पाएंगे. एंड थर्ड लर्निंग जो था वो था फोकस, कि मैंने अपने आप को रिमाइंड किया कॉन्स्टेंटली कि मुझे सिर्फ नेक्स्ट स्टेप के ऊपर फोकस करना है. मुझे याद है जब मैं एयरप्लेन में बैठा था और वहां पर से मुझे पता था माइंड को कि यार मुझे जंप करना है, तो आपका माइंड है ना कॉन्स्टेंटली जंप करते रहता है.
यू नो स्काई डाइविंग जंप से पहले वो जंप करने वाला है कि क्या होगा, कब कब कूदेंगे, कैसे कूदेंगे, बस सब बराबर होगा कि नहीं. व्हाट आई डिड वाज सिंपल कि वहां पर मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दिया. कभी कभी डिस्ट्रैक्ट करना भी अच्छी चीज है. मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया किससे बताएं, बातों में. मैं अपने ट्रेनर के साथ बात कर रहा था, वो जर्मनी से थे. सो आई आस्क्ड हिम कि जर्मनी में आप कहाँ से हैं. देन ही टोल्ड मी कि वो उनका एक स्विट्जरलैंड में स्कीइंग का स्कूल है और वो करते हैं. टू बी ऑनेस्ट मुझे उनकी बातों में बहुत इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस वक्त मेरा पर्पस यही था कि बस मैं उनके साथ बात करते रहूं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करूं. और जैसे हम धीरे धीरे ऊपर गए ना, वहां पर से वो मुझे दिखा रहे थे कि नक्षत्र सी दिस इज यहां पर ये केप टाउन सिटी है, यहां पर वो आइलैंड है, यहां पर वो चैपमैन्स पीक है, वो सब मुझे दिखा रहे थे. और मैंने कॉन्स्टेंटली अपने आप को डाइवर्ट करते रहा, डिस्ट्रैक्ट करते रहा अपने माइंड को, कि जिससे वो मुझे वो जो जंप था उसके ऊपर फोकस ना करे. सो व्हाट आई लर्नड वाज कि जब भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां पर आपको लगता है कि आपको डर लगने वाला है, आई एम श्योर कि ये तीन लर्निंग जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है ना, वो जरूर आपको हेल्प करने वाला है. सो मेक श्योर कि ये वीडियो आप उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसके साथ आपको जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, या फिर वो स्काई डाइविंग का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है. एंड आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल कि जहां वहां पर जो केप टाउन में साउथ अफ्रीका में जो टीम थी पूरी स्काई डाइविंग की, दे वेर अमेजिंग. सो ये तीन लर्निंग याद रखिए. और उसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर कि ऐसे वैल्यू एडेड वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोज मैं आपके तक कॉन्स्टेंटली पहुंचाते रहूं. सी यू इन द next video.